सर, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर ह्यूमर से पाकिस्तान सबकी तरफ से सर आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसने बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। करतारपुर का कॉरिडोर खुला तो सिद्धू ने सियासी दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। करतारपुर में फूलों से गुरु का स्वागत हुआ तो सिद्धू की जुबान वाह इमरान करने लगी। क्या बात है सर, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर ह्यूमर से पाकिस्तान सबकी तरफ से सर आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसने बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हिंदुस्तान की सियासत को जिस मसाले की दरकार थी वो सिद्धू के करतारपुर दौरे ने दे दिया। चुनावी मौसम में पाकिस्तान से सिद्धू का प्यार उमड़ा तो विरोधियों की आवाजें बुलंद हो गईं। बीजेपी ने सिद्धू के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर एक बार फिर फायर किया। परसों शाह महमूद कुरैशी, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हिंदुत्व से वैश्विक खतरा है, हिंदुत्व से पूरे विश्व के सुरक्षा को खतरा है। ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने कहा है, आपको क्या लगता है, वेयर डिड ही बोरो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम? यह स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी राहुल गांधी जी की पुस्तक से निकाल के लाते हैं। ये राहुल गांधी की सोच है। ये राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे हमला किया, शाह महमूद कुरैशी ने उसी को इको किया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों कश्मीरियों को मार दिया गया अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात, तुरंत इमरान खान एक डोसियर लेके जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसी विषय को यूनाइटेड नेशन में आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी के विषय को इमरान खान भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। बात इमरान की थी, पाकिस्तान की थी। सियासत कितनी भी हो, गुरु कहाँ पीछे हटने वाले थे। न उनका ये प्यार नया था, न ही इस पर हो रही सियासत। ऐसे में सिद्धू सफाई में नसीहत देने लगे। खुब भाई, साडे कल्चर एक ने जड़े असली समझदे ने, वो जानदे ने कि 10 लाख मार काट हुई, किन्ने लोग बेर अबरू हुए, वो समझदे ने। वो ते मरम है भाई, साडे सभ्याचार एक, साडी जबान एक, साडा पहरावा एक, साडा खान पान एक, होर ते होर साडा टौर टप्पा एक, या कहो नहीं। इस करके एक गल अगे वधनी चाहिए है। असी तो इल्तजा कर सकते हैं, मैं उत्थे भी कह के आया कि खोलो उन्हां मंदरां नूं, जान दिओ वध तो वध जत्थे बाबा नानक दे जन्म स्थान ते। क्यों रोकते हो, क्यों 40-50 कहने हो, भेजो 5,000। उन्हां को पासपोर्ट ने, उन्हां को आस्था है, आपदे बाप दे दर दे उत्ते क्यों नहीं मत्था लाण दिंदे, क्यों नहीं ऊर्जा पाउण दिंदे, इनू रिलीजियस टूरिज्म कहंदे आ। सिद्धू ने पाकिस्तान से दोस्ती की वजह बताई, फायदे गिनाए। सिद्धू ने यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान से दोस्ती के अलावा कोई चारा नहीं है। ते जड़े साडे भाई लालो जिन्हां नूं बाबा नानक अपना किता लड़ ला के गया, ओ 34 देशां नूं इह व्यापार हुंदा सी, और 2019 तों पहलां हुंदा सी। असंभव शब्द ते बेवकूफां दे शब्द कोश च है। मैं तो आस वाला बंदा, सकारात्मक सोच वाला बंदा, आई थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव एनीथिंग इज बैटर देन नेगेटिव, नथिंग। ये खुला सी, इस ट्रेड की जिहड़ी पोटेंशियल है वो 275,000 करोड़ $37 बिलियन की है। अगर इनू अनलॉक किया जाए तो असी इस पोटेंशियल के 5वें हिस्से भी नहीं पहुंचे, 5% भी नहीं, 2 to 3 crore तक भी नहीं पहुंचे। एदा लॉस करीब 5,000 करोड़ रुपई है अज पंजाब नूं, 15,000 जॉब्स, होर ते होर मेरे कुली वीर जड़े ने उही कुछ होर काम करन लग गए। ये बहुत वड्डे मुद्दे है साहब। पाकिस्तान का दौरा था लेकिन सिद्धू भूल गए आतंकवाद पर बोलना।
सिद्धू भूल गए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बोलना। उन्हें व्यापार नजर आया लेकिन दहशतगर्दी नजर नहीं आई। आंखों में पाकिस्तान की मोहब्बत का पर्दा था या फिर सियासी खेल, सिद्धू अपना दांव खेल चुके थे। अब कांग्रेस की बारी थी सिद्धू के बचाव की। मोदी जी जाते हैं तो वो देश प्रेमी है, जब सिद्धू जाता है तो वो देशद्रोही है। क्या ऐसी क्या बात है यार? मैं आपको भाई कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, तो इसमें क्या? देखो, हम गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को आज से 552 साल पहले जो उन्होंने कहा था कि किर्त करो, नाम जपो और वंड शको, और उस फिलॉसफी को सिजदा करने के लिए गए थे। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, बीजेपी बहुत, नवजोत सिंह सिद्धू है वो देखो पाकिस्तान का ऐसा, बीजेपी बहुत कुछ कहती है, बीजेपी डिजाइन करती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह एग्जीक्यूट करते हैं, सपोर्टेड बाय अकाली दल है। हमें चुनावी मौसम में सिद्धू ने अब सियासत में पाकिस्तान का तड़का डाल दिया है। मुद्दों में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, जिसका राजनीतिक दल अपनी सियासत के हिसाब से मतलब निकाले जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।